अभी आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, यू नो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ यूट्यूबर, यू आर मोटिवेशनल स्पीकर, व्हाट इज द एंड गोल? यू नो बिफोर यू डाई, व्हाट डू यू वांट टू गिव टू द वर्ल्ड और व्हाट डू यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड? There is nothing to take away from the world. From my standpoint, जितना भी मुझे चाहिए उससे बहुत ज्यादा मेरे पास में है. There is no as such any kind of selfish desire left in me for that matter. क्योंकि जो भी चाहिए तो उससे बहुत ज्यादा मेरे पास में है. मतलब there is a feeling of abundance कि भाई अब अब और कितना और क्या, तो मेरे अंदर वो नहीं है. Sorry to interrupt you, but कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पास है वो, डर लगता है कि आपके पास है वो चला ना जाए? नहीं, कभी भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास में जो है वो किसी को नहीं पता है. क्योंकि आप लोगों को क्या दिखता है, आपको दिखता है सिर्फ जो ऊपर ऊपर लेवल पे है. यानी क्या दिखेगा कि एक बिजनेस है वो सक्सेसफुल है, सेशंस हैं, यूट्यूब है, ये सब नहीं है मेरे पास में. मेरे पास में जो एक्चुअल में है वो है जो मैं एक्चुअल में हूं, उसके मैं पास में हूं, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो वो मेरे से कोई नहीं ले सकता है. यानी ये पूरा यूनिवर्स मुझ में है, ये है मेरी जो असली वेल्थ है. This is my real wealth. इसको लेने का कोई तरीका नहीं है. बिजनेस जाता है चला जाए, बिजनेस का क्या है? बिजनेस बंद हो जाएगा, कोई और कर लेंगे. सिंपल है, उसमें क्या डरना है? एंड लाइफ और डेथ क्या होता है कि जब तक है तब तक है, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? राइट, तो वो सब कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो अब बात आती है कि अब नाउ व्हाट इज इट दैट आई एम लिविंग फॉर? कि अभी भी मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, और मेरे पास कुछ साल बचे हुए हैं जीने के लिए, मे बी 20 साल 30 साल जितना भी है टाइम मेरे पास में, तो उसमें मैं क्या करना चाहता हूं? जो भी कुछ मेरे पास में है, जो रियल है, जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है आने वाली जनरेशंस के लिए, उस सबको शेयर करना चाहता हूं. यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर सकता हूं अपनी लाइफ में एट द लेवल ऑफ माई माइंड, उसको मैं फेस करना चाहता हूं. आई डोंट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम इट. लोग आज की डेट में एस्केप करते हैं, कहां जाते हैं? सोशल मीडिया पे, यहां वहां टाइम पास करते रहते हैं. मैं कभी टाइम पास नहीं करता. कभी मेरे पास खाली टाइम मिलता है तो मैं अकेले में बैठ करके ऑब्जर्व करता हूं अंदर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है. अगर कोई थॉट आता है तो वो कहां से आता है, कैसे आता है, व्हाट इज अ थॉट, व्हाट इज माइंड, उसकी क्या लेयर्स है ना. तो ये सब चीजों को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं कि इससे निकलने का क्या तरीका है. कि कई बार होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कि हम जब माइंड में जाकर के फंस जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि यहां से बाहर कैसे निकले. जैसे आपने शायद महाभारत की कहानियां सुनी होंगी कि ये जो चक्रव्यूह था उसमें वो फंस गया कर गया. तो ये जो चक्रव्यूह है ना, ये कि बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हम उसमें फंस जाते हैं. तो इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, कि हमारे अंदर जो एक चक्रव्यूह है जिसको तोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उससे कैसे निकला जाता है? कि जब एक नेगेटिव स्टेट में हम एंटर करते हैं तो वहां से ऐसे कैसे बाहर निकला जाता है, ये मेरा पैशन है. तो मैं इसको समझता चला जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरे को समझ आता चला जा रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग और डीप होती चली जा रही है, और उसको शेयर करता चला जा रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के साथ. यही मेरा मकसद है. जब तक भी मैं हूं, चाहे मैं एक दिन के लिए और हूं, चाहे एक महीने के लिए, चाहे एक साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए मैं हूं इस दुनिया में, जो भी कुछ मेरे पास में है, दैट इज माई नॉलेज, माई अंडरस्टैंडिंग, माई एक्सपीरियंस, उसको मुझे शेयर करना है पूरी दुनिया के साथ में, ताकि आने वाली जनरेशन का कुछ बेनिफिट हो सके. That's great. Sir, मेरी मम्मा यहाँ पे है. हाँ, मैं उनको एक बार हाई कर देता हूँ. हमारा टाइम वैसे पूरा हो गया, एक बार मैं उनको नमस्ते कर देता. हाँ जी, बिल्कुल जी. कहाँ है आपकी मम्मा? एक बार मैं उनको मिल लेता हूँ. हेलो जी. हाँ जी, नमस्ते जी. कैसे हैं जी आप? उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था. अरे वाह, बहुत अच्छा जी. बहुत ज्यादा अच्छा. अरे वाह, बहुत अच्छा जी. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. जरा सा हमारे साथ में कुछ बुरा हो जाता है, दो तीन चीजें एक साथ बुरी हो जाती है, तो लोगों को लगने लग जाता है हमारे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है. होता है ना, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है. नजर लग गई है. अगर ऐसे नजर लगती तो मेरा तो पता नहीं क्या होता, मेरा हुलिया बिगड़ गया होता. बचपन से ही ऐसी ही प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि बेटे तुम अगर ये हो तो तुम्हें यहाँ इस मंदिर में जाना है, ये करना है, ये करना है, पल्लू करना है. वैसे ही करते चले जा रहे हैं, कभी तो पूछ ही नहीं रहे हम कर क्या रहे हैं. इस पेड़ के तुमको चक्कर लगाने हैं, अब ये करना है, यहाँ पे धागा बांधना है, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी. उनसे पूछो भाई, मनोकामना पूरी हो भी गई तो होगा क्या? पूछो अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अगर हिम्मत है तो. मतलब वो जो आ करके आपको बोल रहे हैं कि बेटे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, बोलो आपने करा क्या, उखाड़ दिया. जब आज यहाँ आ रही थी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आपसे ये सवाल करूंगी, वो सवाल करूंगी, क्योंकि आपके वीडियोस में सब कुछ कवर हो ही जाता है, जो भी जानना. मुझे बस
आपने जो आपका जो लाइफ चेंजिंग वीडियो था उसमें आपने एंड में कहा था ना, कभी अगर मुझे कुछ देना हो तो आप किसी गरीब को खिला देना, यू नो दैट सेंटेंस टच्ड माय हार्ट। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे एक दिन इस इंसान से मिलना है और इसको कुछ खिलाना है। मैं हाजिर हूँ, खिला दीजिए। आप साक्षात इनके रूप में आ गए हैं। डिजाइनिंग चूज किया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, उसके पीछे एक स्टोरी रिलेट करना। अब जैसे अगर वो कैमरा ही है तो वो भी क्या सोच रहा होगा, कब से मुझे यहाँ खड़ा करके रखा है यार एक ही पोजीशन पे, मतलब उस तरह की चीजें मुझे। ओ भाई क्यों सोच रहा है ये? अरे अरे सर आप, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सारे मेरे को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। वाओ मैं बन गया सेलिब्रिटी। क्या क्लैप मारा है मेरे एंट्री पे। ऐसा भी सोचता हूँ मैं क्रिएटिव फील्ड में इसलिए जाना चाहती थी बिकॉज एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पीछे भी आई कैन क्रिएट अ स्टोरी कि वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त या वो क्या कर, लाइक एक पिक्चर बनाया अगर तो उसके पीछे तुरंत यूं एक स्टोरी कहानी बन गई कि मतलब और उसके पीछे क्या है। जैसे आपका माइक अभी हाथ में है, माइक क्या सोच रहा होगा? मेरे को आप जगह जगह क्यों नहीं बांट रहे, कितने देर से एक इंसान ने पकड़ रखा है मेरे को। नहीं लेकिन इंसान अच्छा है तो माइक तो खुश हो रहा होगा, वैसे मेल है। क्या है मेल है, माइक होता है, माइक होती थोड़ी है। नहीं, माइक खुश हो गया, हटाना चाहती हूं। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। हाय जी, एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस या फिर जॉब जो भी हो सकता है, बिकॉज सब लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हारा जॉब कौन करेगा? ऑब्वियसली दोनों में से कुछ भी, जो भी हो सकता है। तो सर वो कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं, तो वो होता है ना कि चार नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, कब गिरेंगे नीचे कभी ना कभी, तो अभी वो बस टाइम आने वाला है। ये आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, जॉब बिजनेस की बात कर रहे हैं? सर शादी हो चुकी है। अच्छा शादी हो चुकी है, उसके बाद भी तीन और हैं। सर पिटवाओगे क्या घर जाके? सर मैंने सारे वीडियोज देखेंगे तो थोड़ा सा नया जवाब देना सर प्लीज। बिल्कुल नया दूंगा आपको, आपके पहले मैंने दिया ही नहीं होगा ऐसा जवाब। Do whatever you want to do, man.